कोई नहीं, देखो cos a by sin a पहले लिख लेते हैं, cos a माइनस का sin a प्लस का 1 by cos a प्लस का sin a माइनस का 1, इज दैट क्लियर? रकम ही तो लिखी है बराबर कोसेकेंट ए प्लस कोट ए प्रूव करना है, तो हम भाग कर रहे हैं इसको, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो क्या साइन से अंश और हर, साइन ए से अंश और हर को भाग करने पर, क्यों किया साइन से ही, क्योंकि कोट लाना है हमें, कोट लाना है तो कोट कब आता है कोस बाय साइन, और कोसिकेंट कब आता है जब वन बाय साइन आएगा, ठीक है? तो इसको हमने साइन से भाग किया, कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस वन बाय साइन ए बाय कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस वन बाय साइन ए, ठीक है? वन बाय साइन ए इज इक्वल टू कोस ए बाय साइन ए कोट ए माइनस साइन ए बाय साइन ए वन प्लस वन बाय साइन ए कोसिकेंट ए बाय कोस ए बाय साइन ए कोट ए प्लस साइन ए बाय साइन ए वन माइनस वन बाय साइन ए कोसिकेंट ए, इज दैट ओके? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक आया समझ? कहाँ नहीं आया समझ बता, मतलब किसी को और किसी को दिक्कत? ऊपर वाले को भी साइन से भाग की, नीचे वाले को भी साइन से भाग की, कोस ए बाई साइन ए कोटे, साइन ए बाई साइन ए वन, वन बाई साइन ए कोसेकेंट ए, तो कोस ए बाई साइन ए कोटे, साइन ए बाई साइन ए वन, वन बाई साइन ए कोसेकेंट ए, ठीक है? आप देखो उसको हम लिख सकते हैं कि कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, माइनस वन है उसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्केयर ए माइनस का कोट स्केयर ए, ठीक है? माइनस था माइनस का माइनस, नुक्कड़ में लिखा ऐसे कैसे ही, उसके बाद कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर होता है वन के बराबर, तो माइनस खाली बाहर है बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है? वन की जगह हमने ए लिख दिया, डिवाइड बाय कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, इसमें भी ऐसे लिखे प्लस का, इसमें लिखो ना लिखो बाद में देख लेंगे, ठीक है? क्या बचा कोट ए प्लस वन माइनस का कोसिकेंट ए, ठीक है? ये आ गया हमारे पास माइनस वन प्लस का वन माइनस का कोसिकेंट ए, ठीक है? अब आगे चले, यहां तक आया समझ? चलो आगे बात करते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए ऐसे कैसे लिखा पहले वाला, तो ठीक आगे क्या है माइनस माइनस ए प्लस बी, तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू ए माइनस बी, तो कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, किसी को कोई दिक्कत? बटे वाली स्टेटमेंट एज इट इज, कोट ए प्लस वन माइनस का कोसिकेंट ए, अब दोनों के अंदर क्या कॉमन है, कोसिकेंट ए प्लस कोटे, तो कोसिकेंट ए प्लस कोटे को मन ले लिया, उसके बाद ब्रैकेट यहां पे क्या आ गया वन माइनस, यहां पे क्या आएगा कोसिकेंट ए माइनस का कोट ए ब्रैकेट के अंदर। अब देखो आपका सवाल शायद हो गया, कैसे हो गया देखो, बटे में
ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज, कोटे प्लस वन माइनस का कोसिकेंट ए। अब देखना, ये एज इट इज कोसिकेंट ए प्लस कोटे। अब जो ये माइनस है ना, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये साइन चेंज कर देगा, क्या आ जाएगा, वन माइनस कोसिकेंट ए प्लस का कोट ए। गॉट इट? हाँ भाई रोहित, क्या बात हुई, माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस का कोसिकेंट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का कोट ए हो जाएगा। बटे वाली स्टेटमेंट एज इट इज, बाय वाली, तो कोट ए प्लस वन माइनस कोसिकेंट ए। यहाँ पे प्लस का वन है, यहाँ पे भी प्लस का वन है, यहाँ पे प्लस का कोटे है, यहाँ पे प्लस का कोटे है, यहाँ पे माइनस का कोसिकेंट है, यहाँ पे भी पूरा सेम है। क्लियर? डिलीट, यही तो प्रूव करना था। बचा क्या, कोसिकेंट ए प्लस कोटे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ में वन प्लस साइन ए नेक्स्ट देखिए। हाँ क्या हो रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बजा रहने दो, कुछ भी बजे। वन प्लस साइन ए सिक्स्थ सम। ओके, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए बाय में क्या है, वन माइनस साइन ए। क्या आपको पता है नीचे रूट होने पर हम क्या करते हैं? हमने सीखा था रेशनलाइजेशन, हर का प्रमेयकरण, मतलब नीचे रूट हो तो हर का प्रमेयकरण करते हैं, तो कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। बराबर सीकेंट ए प्लस टेन ए के प्रूव करना, हर का प्रमेयकरण करने पर, रेशनलाइजेशन करने पर। तो रेशनलाइजेशन का रूल क्या होता है, जो चीज नीचे हो वही चीज ऊपर भी और नीचे भी, मल्टीप्लाई का निशान लगा के। तो वन माइनस साइन ए बाय, सॉरी हाँ साइन चेंज करना होता है, वन प्लस साइन ए बाय वन प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस बी और ए प्लस बी, इसका सारे का स्क्वायर हो गया, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, बराबर रूट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर क्या दिखता है आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। किसी को कोई कन्फ्यूजन? हाँ किसका, ऊपर वाले का स्क्वायर है तो अलग अलग, मतलब नहीं 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 बच्चे, बिल्कुल सेम है ना, तो पांच गुना पांच, पांच का स्क्वायर नो थोड़ा ना लिखेंगे, एक का स्क्वायर और चार का स्क्वायर उसे वो थोड़ा ना कर देंगे। ऐसे ही एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई अगर सेम आए तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो वही बात है, वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पे वन माइनस साइन ए, यहाँ पे भी वन माइनस साइन ए होता है तो ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर देते हैं उसका भी, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग साइन है तो फॉर्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलो अब इसके स्क्वायर से अलग अलग रूट कर दे उसका, ऊपर वाले का रूट अलग
तो वन प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कट गया बाय इसका अलग करेंगे वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए इसका रूट इज इक्वल टू वन प्लस साइन ए बचाना बाय वन माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसकी ये किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसल बराबर वन प्लस साइन ए बाय क्या बचा खाली कोस ए अब अलग अलग कर दो इसके लिए बटा अलग लिखो उसके लिए बटा अलग लिखो यानी कि वन बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए तो वन बाय कोस ए क्या होता है सीकेंट ए और प्लस साइन ए बाय कोस ए क्या होता है टेन ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज दैट क्लियर आसान है ये तो कर लोगे नेक्स्ट करें